पश्चिम उत्तर प्रदेश मेरठ पुलिस शहर में हो रही चोरी और डकैती की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए लगातार अभियान चला रही है, जिसके चलते मेरठ पुलिस ने राज्य स्तरीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के लिए आपको बता दें, आरोपी ने कुछ समय पहले बवाना क्षेत्र के लकड़ी की शोरूम व लखमपुर खीरी के कपड़ों की दुकान में हुई डकैती की घटनाओं को अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपी के पास से 9 लकड़ी के दरवाजे, एक सोफा, 100 फीट सूट साड़ी बरामद कर ली है। पुलिस पूछताछ में पता चला कि आरोपी मेरठ शहर से कैंटर में अलग अलग जिलों का माल भरकर लेकर जाते थे और वापसी में माल को कबाड़ी, आदिल, शुएब और अनस को अच्छे दामों में बेच देते थे। आरोपी ने मेरठ जनपद के अलावा लखनऊ, लखीपुर खीरी, पीलीभीत, गाजियाबाद में भी डकैती की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। इसमें जो बदमाश यहाँ से गाड़ी को हायर करके एक खाली कैंसर को या ट्रक को लेकर जाया करते थे और दूसरी जगह पर जाकर वहाँ पर सामान भर के लाना, गोदाम खाली कर देना, कपड़ों की दुकान में चोरी कर लेना, तो कूमर लगा कर दुकान के अंदर देखते थे, शटर तोड़ते थे, काटते थे और फिर उसके बाद भारी मात्रा में सामान वहाँ से लेके आते थे। करीबन लाखों रुपये के सामान की चोरी अभी तक करोड़ में हो सकती है। ये गैंग जो है चालू कर चुका है, भारी मात्रा में सामान इसके पास से, कपड़ों के बड़े बड़े दुकान और बहुत कुछ इसके पास से बरामद किया जा चुका है। करीबन 7 लोग जिनके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं, शाकिर और धंधा, सोनू, शौकी, अबूजर, सरफराज, अनस और आदि, 7 लोग हैं। कुछ लोग जो साड़ी के क्षेत्र के रहने वाले हैं, कुछ मीरापुर के रहने वाले हैं, कुछ खतौली के रहने वाले हैं, तो ऐसे ही लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पिंचौड़ी का भी रहने वाला है, करीबन 10 नाम का सामान इनके पास से बरामद किया गया है। वो 9 लकड़ी के दरवाजे, एक सोफा फ्रेम लकड़ी का, 100 लेडीज सूट साड़ी, एक कैंटर जो इस्तेमाल किया करते थे, 2 तमंचे, 2 चाकू, एक बड़ा हथौड़ा, 3 और एक कुंबल इस्तेमाल किया।